हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कटहल की बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही टेस्टी सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बनाने में बहुत ही आसान और कमाल का टेस्ट आता है। आप सब्जी का टेक्सचर देख सकते हैं कितना कमाल का आया है। एक बार आप इस तरीके से कटहल की सब्जी बना लेते हैं तो मटर पनीर, शाही पनीर या फिर आप नॉनवेज खाते हो तो वो भी इसके आगे फीकी लगेगी। तो आप भी इस तरीके से इस सब्जी को जरूर ट्राई कीजिएगा। सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है आधा केजी कटहल। कटहल को 3-4 बार पानी में अच्छी तरीके से मैंने धो लिया है। कटहल एकदम ताज़ा है और ताजे कटहल की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसके साथ मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 आलू। अब आलूओं को हम थोड़ा बड़े बड़े टुकड़े में काट लेंगे। आलू को मैंने काट लिया है और गैस पे मैंने यहाँ पे 2 गिलास पानी गरम करने के लिए रखा है। जब पानी में उबाल आने लगे तो इसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसमें डाल देंगे हम कटहल। अब कटहल को कर लेंगे थोड़ा सा ऊपर नीचे, यानी हम कटहल को थोड़ा चला के ढक के मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकने देंगे। और यहाँ पे हम ग्रेवी के लिए लेंगे 3 प्याज, 2 टमाटर, 5 से 6 यहाँ पे लहसुन की कली है। 5 मिनट के बाद एक बार हम कटहल को चेक कर लेंगे। तो अभी कटहल को हम इतना ही पकाएंगे, इसके साथ हम आलू को डालेंगे और अच्छे से एक बार आलू और कटहल को मिक्स कर लेते हैं, ऊपर नीचे कर लेते हैं और ढक के 2 मिनट के लिए और हम आलू और कटहल को पकाएंगे। और अब हम कटहल आलू को पकने देते हैं और यहाँ पे पैन में हम डालेंगे 2 चम्मच घी और कुछ खड़े मसाले। 1 दालचीनी का टुकड़ा लेंगे, 1 टुकड़ा हम जायफल का लेंगे, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची खोल के लेंगे, इसे हम घी में डालेंगे। और यहाँ पे हमने 2 प्याज को रफली काट के लिया है और इसे हम हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। प्याज के साथ ही हमें लहसुन को भी फ्राई करना है, तो यहाँ पे प्याज का कलर चेंज होने तक हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है और अब इसमें हमें डाल देना है टमाटर। और यहाँ पे टमाटर को भी मैंने रफली काट के ही लिया है। 1 मिनट के लिए प्याज के साथ इसे हम फ्राई करेंगे। 1 मिनट के बाद अब हमें टमाटर को और प्याज को ढक के टमाटर के सॉफ्ट हो जाने तक पकाना है। और यहाँ पे देखिए 2 मिनट के बाद आलू और कटहल हमारा अच्छे से पक चुका है। इसे हम 80% तक ही कुक करेंगे। और अब हम एक बार चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए कटहल हमारा अच्छे से कुक हो गया है, मतलब हमें 80% तक ही कटहल को कुक करना है। अब हम एक लेंगे जाली वाली थाली और इसमें हम कटहल और आलू को निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी कटहल और आलू का निकल जाए। और अब हम कटहल और आलू को प्लेट में अच्छे से फैला के रखेंगे और अब हम मसाले तैयार कर लेते हैं। तो 1 कटोरी में हम 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर लेंगे, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हम यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लेंगे, 1/4 चम्मच हम यहाँ पे दरदरा कूट के काली मिर्च लेंगे, 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर लेंगे, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती लेंगे, थोड़ा पानी डाल के मसालों को अच्छे से मिक्स करके और मसालों को ढक के ही रखेंगे। अगर ढक के नहीं रखेंगे तो मसाले की सारी खुशबू निकल जाती है और सब्जी में वो टेस्ट, वो स्वाद नहीं आ पाता है। तो यहाँ पे देखिए 1 से 2 मिनट के बाद टमाटर और प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, टमाटर प्याज को मिक्सर जार में एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे। और अब हम कढ़ाही गरम करेंगे। कढ़ाही में डालेंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। सरसों के तेल में ही कटहल की सब्जी बनाते हैं तो बहुत टेस्टी बनती है। तेल में डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा और 1 प्याज रफली काट के मैंने लिया है और इसे हम डालेंगे। और प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो जाए तब तक हम प्याज को फ्राई करेंगे। जब प्याज का कलर चेंज होने लगे इसमें हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और प्याज के साथ इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैं तेज़पत्ता डालना भूल गई थी, तो यहाँ पे 2 तेज़पत्ता भी डालेंगे। 1/2 मिनट के लिए लहसुन के पेस्ट को हम फ्राई करेंगे। लहसुन भी फ्राई हो चुका है और अब हम डाल देंगे इसमें घोले हुए मसाले को। मसाले को डालने के बाद इसी कटोरी से हम 2 चम्मच पानी डाल देंगे मसाले में ताकि मसाले ना जलें। और मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक के मीडियम टू लो फ्लेम पे मसाले का पानी सूख जाने तक पकाएंगे।
बीच बीच में हम मसाले को चलाते रहेंगे, अगर नहीं चलाएंगे तो कढ़ाई में चिपक जाएगा और सब्जी का टेस्ट सारा ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे एक मिनट के लिए हम खुले में पका लेते हैं मसाले को। और अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर प्याज का पेस्ट। सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद मसाले को ढकेंगे और ढक के मसाले का पानी सूख जाए तब तक हम पकने देंगे। तो यहाँ पे देखिए मसाले का सारा पानी सूख चुका है और इसे हम खुले में एक दो मिनट के लिए और फ्राई कर लेते हैं। एक दो मिनट तक फ्राई करने के बाद इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो यहाँ पर मैंने 2 छोटा चम्मच नमक डाल दिया है और अब हम 1 से 2 चम्मच यहाँ पे पानी डालेंगे और नमक को ग्रेवी में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हमें डाल देना है कटहल। तो कटहल को डालने के बाद कटहल को मसाले में अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे हम कटहल को ढकेंगे, ढक के लो फ्लेम पे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे कटहल के अंदर सारे मसालों का फ्लेवर अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुका है, सब्जी को हम एक बार अच्छी तरीके से चला लेते हैं। अब आलू को भी डाल लेते हैं और सब्जी में आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद सब्जी को ढक के और हम फिर से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट हो चुका है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है सब्जी में से, और आलू कटहल अच्छे से कुक हो चुका है। खुले में ही 1-2 मिनट के लिए और सारी चीज़ों को हम फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट हो चुका है और अब इसमें हमें डाल देना है पानी। और अब हम 1 गिलास पानी डालेंगे और इसे सब्जी में अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर सब्जी ज़्यादा गाढ़ी हुई तो फिर से हम पानी डालेंगे। तो यहाँ पे ग्रेवी काफ़ी थिक लग रही है तो 1/2 गिलास मैं और पानी डाल देती हूँ। इसे अच्छे से सब्जी में मिक्स करेंगे। और अब हम यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी और इसके साथ ही हम डालेंगे स्पेशल सब्जी मसाला और इसे सब्जी में मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मसालों को हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद सब्जी को ढकेंगे मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना बढ़िया कलर आया है। सब्जी देखने में कितनी टेस्टी लग रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी है ये सब्जी। तो यहाँ पे सब्जी हमारी ऑलमोस्ट बन चुकी है और अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती और एक बार सब्जी में इसे मिक्स करेंगे। और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और कटहल की बहुत ही टेस्टी सब्जी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो एक बार आप मेरे इस तरीके से कटहल की सब्जी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही खाने में टेस्टी है। आप इसे चावल के साथ खाइए या पूरी पराठे के साथ सर्व कीजिए, लंच डिनर में बना सकते हैं। आपने शायद ही कभी इस तरीके से कटहल की सब्जी बनाई हो, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।